नमस्कार सच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म करंट हेवन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे और प्लस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे। आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया है, आप लोगों का हृदय तल से शुक्रिया है। सभी प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लिए। हर एक प्रशिक्षु, हर एक वर्ग का प्रशिक्षु, चाहे वह जिस भी स्ट्रीम से जुड़ा हो, हमारे लिए एक है, सिर्फ एक। यानी कि हमारे लिए सिर्फ आप लोग हो, आप लोग का मतलब सिर्फ आप लोग, चाहे आप अलग अलग ही क्यों ना हो। बच्चों, हमारी ये फैमिली है और हमारी फैमिली बरकरार रहना और यह एक तरह से सूत्रों में बांधकर विषय रखना चाहते हैं। हर एक कोई एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहा करें बच्चों, जिससे कि हमारी जो यूनिटी है बना रहे। बच्चों, आज एक ऐसा नोटिफिकेशन आपके सामने लाया गया है जो बच्चे हड़कंप मचा रहे हैं कि यूपी टेट इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा बीएड वालों का। बच्चों, यूपी टेट का मतलब बच्चों शिक्षक भर्ती में उनको अलाउ नहीं किया जाएगा यूपी से। बच्चों, हम इस पर पूरा लास्ट तक बने रहिए, आपको इस पर जानकारी देते हैं। पहले यह बता दें आपको, कुछ दिनों से जो हम नोटिफिकेशन दे रहे हैं आपको, इसके अनुसार जो आपको बताया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट नोटिफिकेशन दिया जा रहा है बच्चों, जो आपको इन्फॉर्म किया जाता है। बच्चों, बीएड और डीएलएड के लड़ाई में आपको पता है माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो आपके जोधपुर राज्य बच्चों उसके द्वारा एक तरह से कहा गया है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वह प्राथमिक के लिए अनअवेलेबल, मतलब एक तरह से अनवैलिड है बच्चों। बीएसटीसी के फेवर में बीएसटीसी बच्चों को उसके फेवर में फैसला सुनाया गया माननीय जोधपुर द्वारा, और विपक्ष में सुनाया गया बीएड वालों के। लेकिन उसी तरह उसी जगह अगर दूसरी तरफ देखेंगे बच्चों, दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है बच्चों, वह बीएड के पक्ष में फैसला सुनाया है। और यही बात जो है पूरे राज्य में लागू होगा कि नहीं लागू होगा बच्चों, इसके लिए हम केवल एनसीटीई के नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे। क्योंकि बच्चों 2018 में जो एनसीटीई द्वारा नोटिफिकेशन आया था उसको भी रद्द करने की बात कर दिया है जोधपुर हाईकोर्ट ने। बच्चों, अभी इसके ऊपर कुछ भी हम कह नहीं सकते बच्चों कि प्राथमिक के लिए बीएड में मान्यता मिलेगी बच्चों को यूपी में कि नहीं मिलेगी। प्राथमिक के लिए बच्चों, प्राथमिक वालों के लिए बीएड वालों को मान्यता मिलेगा या फिर दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, इस पर कोई भी अभी फैसला नहीं आया बच्चों। क्योंकि आपको पता है शिक्षा जगत जो है बच्चों एक बच्चों स्थानीय है, मतलब कि एक तरह से राज्य का विषय है, ना राज्य सूची में आता है और इस पर राज्य ही फैसला ले सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं जोधपुर में आया कि बीएसटीसी के पक्ष में फैसला सुनाया गया, उसी तरह हिमाचल प्रदेश में बीएड के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। तो हो सकता है यूपी में भी ऐसा कुछ आ जाए बच्चों। लेकिन यूपी में एक हम आपको बुरी सूचना बता देते हैं, मतलब एक तरह से बीएड वालों के लिए बुरी सूचना है बच्चों इसमें। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि अगर डीएलएड में अभ्यर्थियों की संख्या, बच्चों देखिए यहाँ पे किसी भी हम कौम के या फिर किसी के पक्ष में बात नहीं करते बच्चों, खुद हम बीएडधारी हैं लेकिन हम सही के पक्ष में रहेंगे, हमेशा सही के पक्ष में रहेंगे, चाहे वो हमारे लिए गलत ही क्यों ना हो। अगर सच्चाई है तो सच्चाई है बच्चों, साफ है, इसमें कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी ये आपके लिए खुला हुआ है बच्चों। बीएड का छुपाड़ा साफ होगा कि नहीं होगा तो आगे एनएसटीसी की जो है बच्चों वह बताएगा, आपके नोटिफिकेशन बताएंगे, है ना, वह लास्ट परिणाम वही जारी करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसका नोटिफिकेशन क्या रहा है बच्चों। इसका नोटिफिकेशन आते ही यह क्लियर हो जाएगा या पूरे देश में लागू होगा एनसीटीई का, एनएसटीसी ने बच्चों एनसीटीई का यह नोटिफिकेशन पूरे देश में, मतलब एक तरह से जो फैसला है पूरे देश में लागू होगा या फिर केवल राजस्थान के लिए या फिर केवल राज्य वाइज लागू होगा, हर एक राज्य अपना तय करेगा, यह फैसला आने के बाद पता चलेगा बच्चों। क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जो 2018 में आया था उसको भी रद्द कर दिया गया है जो बीएड के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। बच्चों, आप लोग घबराओ मत, जो बीएड वाले हैं आराम से अपना तैयारी करें, जिस भी चीज में लगे हुए हैं। बच्चे सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, डबल बेंच के पास गए हैं बच्चों, डबल बेंच की जो फैसला होती है बच्चों सर्वमान्य होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आता है बच्चों नोटिफिकेशन तो आपको जरूर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। एक तरह से भ्रम है बच्चों, या फैलाया जा रहा है भ्रम है, अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं कि बीएड वालों को अमान्य कर दिया जाएगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बच्चों आपके यूपी से। लेकिन बच्चों एक हम जो सूचना बता रहे थे भी आपको, 7.5 लाख डीएलएड वालों की यहाँ पर देखा जाए बच्चों की अभ्यर्थियों की संख्या 7.5 लाख हो चुकी है। तो हो सकता है इस कंडीशन में थोड़ा सा केसेस देखने को हमको मिल सकते हैं, हो सकता है हमारे विपक्ष में फैसला सुनाया जाए। लेकिन बच्चों अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है और ना ही शायद हम बताने में 50-50% चांस होगा बच्चों कि इस बार बीएड वालों को न लिया जाए। क्योंकि बच्चों पिछली बार जो 69,000 भर्ती में देखा गया था, लगभग कितने प्रशिक्षु, मतलब 37,000 के आसपास में बच्चों बीएड के अभ्यर्थी चुने गए थे, आज वह चयनित भी हो गए और अपना जो है बच्चों रकम भी उठा रहे हैं बच्चों, है ना, समझ रहे, उनको एक तरह से तनख्वाह भी दिया जा रहा है, अपना आराम से वह बैठे हुए हैं कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर एक उनको क्राइटेरिया एक रखा गया था कि एक उनको बच्चों ब्रिज नाम का एक कोर्स करना पड़ेगा, 2 साल या 1.5 साल का होता है, उसके लिए भी सरकार चुप है। डीएलएड अभ्यर्थी उसके लिए भी एक तरह से बच्चों प्रार्थना किए थे कि इनके लिए जो ब्रिज कोर्स था उसको क्यों नहीं कराया गया,
है ना, ये सारी बातें हैं, मामले हैं जो कि एक तरह से सरकार के हित कर अनहित में है बच्चों, हित में है कि अनहित में है यह हमको बाद में पता चलेगा, लेकिन बच्चों NCTE के जब तक बच्चों यह नोटिफिकेशन नहीं जारी हो जाता है कि पूरे देश में लागू होगा तब तक हम इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। अब हमको इंतजार है कि NCTE का जो फैसला होगा, जो नोटिफिकेशन होगा, वही सर्वोपरि होगा बच्चों, है ना, क्योंकि एक तरह से बच्चा यह गवर्नमेंटल बॉडीज है और इसका फैसला सर्वमान्य होगा। देखते हैं आगे क्या होता है बच्चों, उसके बाद बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे, उसके बाद हो सकता है वहाँ पर BSTC को फिर बुलाया जाए, उसका भी पक्ष रखा जाए, तो BSTC फिर बोलेगी यह आपका विषय है ही नहीं, यह राज्य का विषय है, इस पर राज्य संस्तुति करेगा बच्चों। तो ये सारी बातें हैं, देखता है आगे क्या है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि BEd वाले प्राथमिक में मान्य नहीं होंगे, UP की बात करें तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, आप बिल्कुल भ्रम में न रहें बच्चों, यह पूरी तरीके से गलत सूचना है, गलत अफवाह है, है ना। तो बस यही था हमारे तरफ से एक इन्फॉर्मेशन, और अभी कुछ देर में हम बच्चों का रिव्यू करेंगे UPTET वालों का, आप उसे भी देखिएगा। धन्यवाद।